हेलो दोस्तों, यार कैसे हो आप लोग। कभी कभी भाव देने वाली लड़की भी आपको भाव नहीं देती है आपकी कुछ गलतियों के कारण। यही मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा देखना ताकि आप अच्छी तरह समझ पाओ। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट कर देना ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ रियलिटी की टिप्स मिलती है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। वो लड़की जो आपको लाइक कर रही होती है, थोड़ा बहुत पसंद भी कर रही होती है, वो भी आपको भाव नहीं देगी अगर आप कुछ गलतियां करते हो तो। ये गलतियां बड़ी ही छोटी मोटी होती हैं, लेकिन यार ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती हैं अगर आप किसी लड़की को इम्प्रेस कर रहे होते हो और चाहते हो कि लड़की भी आपको पूरी तरह भाव दे। तब इन्हीं गलतियों के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब समय ना वेस्ट करते हुए मैं आता हूँ सीधा पॉइंट नंबर 1 पे। हद से ज़्यादा आई कॉन्टैक्ट बनाना। देखो यार, अगर आप किसी लड़की को लाइक करते हो, पसंद करते हो, और इसी चक्कर में आप उससे आई कॉन्टैक्ट बनाते हो, लेकिन अगर आप हमेशा ही आई कॉन्टैक्ट बनाते रहते हो, हर समय चालू ही रहते हो, तो यार ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। आप लोग गलती यही करते हो कि ये नहीं नोटिस करते हो कि लड़की क्या कर रही है, किसके साथ है। बस आपका फोकस इस पे ही होता है कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ आई कॉन्टैक्ट ही बनाना है। तो यार मैं आपको बता दूं कि ऐसा करने से वो लड़की भी परेशान हो जाएगी जो आपको पसंद भी कर रही थी। देखो यार, आई कॉन्टैक्ट बनाने का एक खास समय होता है, एक खास माहौल होता है, और आपको ये लिमिट में करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप ये हमेशा करते ही रहो हद से ज़्यादा। अगर आप फिर भी ये करते रहते हो, हद से ज़्यादा आई कॉन्टैक्ट बनाते रहते हो, तो मेरे भाई ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ों की निशानी होती है। लड़कियों को ये सिर्फ और सिर्फ हद से ज़्यादा बेवकूफ़ लगते हैं। उनको लगता है कि इस लड़के को किसी भी तरह की समझ तो है ही नहीं। पॉइंट नंबर 2। देखो यार, जब लड़की को आप इम्प्रेस करते हो, अपनी तरफ से भाव दे रहे होते हो, कुछ ना कुछ कर रहे होते हो, और ये बात लड़की जब जान जाती है ना, तो आपकी खिंचाई करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां आपसे कहती हैं कि यार तुम ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसे बन जाओ, वैसे बन जाओ, तुम्हारे चलने का स्टाइल मुझे अच्छा नहीं लगता। तो न जाने तरह तरह की बातें आपसे कहेंगी कि आप कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंजेस कर लो, बदलाव कर लो। अब यहाँ तक तो ठीक होता है, उनको बोलने दो, लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब आप उनकी बातों को सीरियसली मानकर वो सब अप्लाई करने लगते हो, यानी कि वो जैसा बोलती है ना आप वैसा करने लगते हो। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखो यार, अगर वही लड़की थोड़ा बहुत आपको पहले भाव दे रही थी, तो वो आपके ओरिजिनल स्टाइल से ही दे रही थी। अब लड़कियां ऐसा जानबूझकर करती हैं ताकि वो ये देख सकें कि आप इस पर क्या रिएक्ट करते हो, और इसी को वो एक तरह के मजे के तौर पर लेती हैं। अगर कोई लड़की आपसे पट चुकी है, आपकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, और वो ऐसा बोलती है, तब आप उसकी बात मान सकते हो, ठीक है, उसकी बात मान के वो सब कर सकते हो। लेकिन जब आप किसी को इम्प्रेस करने में लगे रहते हो और उसके बाद वो लड़की ये सब बोलती है ना, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, तो यार उसकी बात को ज़्यादातर सीरियसली मत लिया करो। आप जितना उसकी बात को सीरियसली लोगे ना, लड़की आपको उतना ही सीरियसली नहीं लेगी, बस आपको मजे की तरह लेगी, यानी कि आप उसको एक झंडू की तरह लगने लगते हो। पॉइंट नंबर 3, दूसरों की काफ़ी ज़्यादा मदद लेना। देखो यार, अगर आप किसी लड़की को सेट करना चाहते हो और चाहते हो कि लड़की भी आपके लिए रिस्पॉन्स करे, आपको भी भाव देना चालू कर दे, तो यहाँ पर अगर आप दूसरों की काफ़ी ज़्यादा मदद लेते हो, हेल्प लेते हो, चाहे वो आपका दोस्त है, आपका भाई है, कोई भी है, अगर आप उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद लेते हो, तो यहाँ पर भी आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। देखो यार, अगर आप मदद इस तरह लेते हो कि लड़की को कुछ भी पता नहीं चलता है, तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट ही उसको इन्वॉल्व कर लेते हो कि भाई तू मेरे लिए ये कर दे, वो कर दे, लड़की को जाके ये बोल दे, वो कर दे, तो ये ठीक नहीं होता है। यहीं पर आप सबसे ज़्यादा बड़ी गलती कर जाते हो। यहाँ पर जो अच्छी लड़कियाँ होती हैं ना, वो आपको ठीक से रिस्पॉन्स नहीं देंगी, यानी कि आपको भाव नहीं देंगी। और यार वो लड़कियाँ जिनके लिए हर रोज़ तो एक नई लव स्टोरी के बराबर होता है, तो उनको कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप अपने दोस्त की मदद लो, अपने भाई की मदद लो, किसकी भी मदद ले लो, वो तो भाई उसको इंजॉय ही करेंगी।
तो यार मैं उन्हीं लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो आपको काफ़ी ज़्यादा सीरियस लेती हैं अपने लाइफ में, यानी कि आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए अपने साथ जोड़कर रखना चाहती हैं। तो यार यही था इस वीडियो में जो मैं आपको समझाना चाहता था, इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है, अभी नहीं तो फ्यूचर में आपके ये ज़रूर काम आएगा। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर देना, चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं बाद में कुछ और नई दमदार वीडियोस के साथ, तब तक के लिए।